अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राइट नाउ हम लोग ऑन दी वे हैं और काशीपुर जा रहे हैं, लेकिन मौसम बहुत सुहावना है और देखिए ये कैसा मौसम है। बारिश हो रही है और गाड़ी चला रहे हैं हमारे नन अदर देन डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुमार गौरव झांसा सर। आप बिल्कुल पीछे मत देखना सर, आपको कोई अलाउड नहीं है पीछे देखना, बस आपकी आवाज लोग सुन सकते हैं। इधर है मिस्टर अरुण, अरुण से हाय। अरुण लास्ट कंपनी में एक बहुत अच्छे लेवल पे थे, 1.5 लाख का पे आउट था अरुण का, और कोशिश है बहुत जल्दी अरुण उस लेवल को अचीव करें हमारे साथ। कुमार सर को तो आप लोग जानते ही हैं, सर भी एक लास्ट कंपनी में थे, वैसे प्रोफेशन से डेंटिस्ट है, बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे नेटवर्कर भी बन चुके हैं। लगभग 4.25 लाख का हाईएस्ट पे आउट महीने का इनका जाता है। और 2020 की टोटल अर्निंग क्या बताई थी कुमार सर, इधर मत देखना बस। हाँ, ₹29 लाख 2020 में इन्होंने अर्न किया, जब सारी दुनिया में लोगों की इनकम कम हो रही थी, तो हमारे कुमार सर की इनकम लगातार बढ़ रही थी। इधर मेरे साथ कुछ सुपर हीरोइंस बैठी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं मिलाती हूँ हमारी दीदी से, शोभा दीदी से। शोभा दीदी और चंदन जी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी अपने बारे में बताओ शोभा दीदी। मेरा नाम शोभा बिस्ट है और मैं उत्तराखंड से हूँ, और बाय एजुकेशन मैंने MSc किया हुआ है केमिस्ट्री से, और अभी अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। कल आपने सोशल मीडिया से बड़ा अच्छा एक काम किया, वो बताओ क्या किया आपने। हाँ, मैंने एक ज्वाइनिंग लगाई थी काशीपुर से वेस्टीज में। ये सुनो, ये कहाँ रहती है पहले ये पूछो। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। गाजियाबाद में रहती है, काशीपुर से कांटेक्ट हुआ और हाँ। बंदे ने आकर प्लान देखा इनसे गाजियाबाद में। जी, सोचिए सोशल मीडिया पे हम कांटेक्ट करते हैं, कई बार हम जाते हैं प्लान दिखाने, वो पर्सन खुद आए। और कितने रुपए का सामान लिया उन्होंने? करीबन 10,000 रुपए का सामान लिया। 10,000 रुपए का सामान, इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? बड़ा काम किया आपने। 10,000 रुपए का सामान लिया, सोचिए। यस, सोशल मीडिया वर्क करता है। बहुत लोग हैं जिन्हें तलाश है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की, बहुत लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट हो पाओ। देखो, सबको पूरी इंडिया में मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत आसानी से लोगों से मिला जा सकता है, क्या ये सही है? हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आपने भी प्रूफ कर दिया। हाँ, नहीं मैं, मुझे सोनम मैम ने ही बताया था ये, क्योंकि अखिलेश जी ने भी कहा था जो हमारे पास जो है आसपास हमें उन चीजों का यूज करना चाहिए, जो हमारे पास ऑलरेडी चीजें हैं, ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है या हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं है। राइट, मोबाइल सबसे सबसे बड़ा हथियार है हमारा। Exactly. इसका हमें अगर हम सही यूज करेंगे तो हम इससे बहुत कुछ कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं ये बोल सकती हूँ आप लोगों को कि सोशल मीडिया कितने हिसाब से वर्क कर रहा है। अभी मैं मिलाती हूँ हमारी बहुत ही पुरानी, हमारी बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग दीदी से। आप हैं चित्रा दीदी, अभी ये बनी हुई है मिकी माउस, हमारी मिकी माउस है। नहीं, मिकी माउस नहीं, मिकी माउस की मिकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम था? माइस। अब दीदी 22 बनी हुई है, ये हस्ती तो ऐसी लगती है मुझे, मिकी माउस याद आ जाती है। तो अभी दीदी ने स्टार्ट किया है, दीदी भी अपने बारे में बताएंगे। दीदी बताएं। मेरा नाम चित्रा है, बाय एजुकेशन आई एम पोस्ट ग्रेजुएट एंड आई एम बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट बीएड भी है ना? नो। अच्छा, हाँ। और मैं अपना प्लेवे रन कर रही हूँ, बट कोरोना टाइम में वो भी बिल्कुल बंद है, घर में बैठे हैं मजे से, पूरा एक साल आराम किया है जिंदगी में पहली बार। जिंदगी में पहली बार आफ्टर मैरिज के टाइम में पहली बार इतना लंबा रेस्ट मिला है। वैसे दीदी ने अभी एक चीज और नहीं बताई, दीदी ने फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स किया हुआ है, से 1 ईयर का फैशन डिप्लोमा लिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा अपना बुटीक भी चला सकती है ये कह सकते हैं। यस, इन्होंने अपना पार्लर भी रन किया हुआ है, बहुत अच्छे से रन किया हुआ है, मतलब इनके हाथों से जो एक बार मतलब टेस्ट एंड ट्राई कर लेता था वो इनको नहीं छोड़ता था, तो ये बहुत परेशान हो गई थी, लोग रात में भी आ जाते थे, तो उनका बोला ये काम बंद करो, टाइम वाला काम शुरू करते हैं। तो फिर इन्होंने अपना स्कूल रन किया और अभी बहुत अच्छे से उसको भी चला रहे थे, मतलब एक फ्लोर से शुरू किया था, फिर बच्चे दूसरे फ्लोर तक भी, फिर बड़ी प्लानिंग भी होने लगी, बट तब तक कोरोना आ गया। थैंक गॉड, कुछ चीजें ना बहुत अच्छे के लिए होती है, बिकॉज ये टैलेंट जो है ना वो आगे तक जा सकता है, तो कोरोना ने उस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बीच में परिस्थितियां खराब की, बट ये सब चीजें अब बड़ी हो सकती हैं। और बताओ दीदी अपने बारे में कुछ। मैं बताऊं दीदी, मेरे साथ लास्ट जब मैं एमवे करती थी 2013 में दीदी ने मेरे साथ एमवे शुरू किया था, और मेरी वन ऑफ दी स्ट्रांग
जो मेरी LOS टीम आती थी, जो मेरी टीम थी, वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट लेग बोल सकती हूँ मैं, उसमें आते थे। बहुत स्पीड में, बहुत अच्छे से, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने। बट ओके लाइफ केयर जब मैंने शुरू किया तो दीदी उस समय थोड़ा साथ में नहीं आ पाए, लेकिन अभी आ रहे हैं। यस, और मुझे पता है कि ये जब शुरू करती हैं तब ये बहुत बेहतरीन शुरुआत करती हैं। तो यस, अभी एक जर्नी स्टार्ट हुई है। आई थिंक कल दीदी की ज्वाइनिंग लगी थी, 2 फरवरी। तो 2 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जिसे ये स्टेज पे भी बताने वाली है। थैंक गॉड 2 फरवरी में मैंने ज्वाइन करा और आज मैं इतने रुपए अर्न कर रही हूँ। अगेन अपने आप को फिर से सोनम के साथ मिलकर अपने आप को हिम्मत दी है खड़े होने की। होगा 100% होगा। इन शॉर्ट में बस ये बताना चाहूंगी कि आपके आस पास नियर डियर बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी आपको जो है चीजें बताती हूँ, और उसमें ही दीदी से भी मुलाकात हो गई। अभी दीदी को भी पता लग जाएगा कैसे हुई। गणतंत्र दिवस में मैंने बोला था कि जितना हो सके हम स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जितना हो सके देश को सहयोग करते हैं, देश को सशक्त बनाते हैं। तो उसमें मैंने कहा कि यार मेरे भी कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पे ठीक है यार बिजनेस सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन वहाँ मैं प्रोडक्ट तो पहुंचा सकती हूँ। बिकॉज दीदी ने थोड़ा सा इनकार कर दिया था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, थोड़ा सा अपसेट थी। तो मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पर ना मैं ये स्वदेशी ब्रांड इस्तेमाल कराती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जो है ना विदेशी ब्रांड्स को यूज करके बाकी कंपनियों, बाकी कंट्री के जो करेंसी है उसे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। तो मैं अपने साथियों पे, अपने पुराने लोगों पे थोड़ा तो प्रेशर कर सकती हूँ कि नहीं यार आपने इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। तो मैं इनके घर गई थी, गणतंत्र दिवस पे ही गई थी, सही है? गणतंत्र दिवस पे आई थी ना? गणतंत्र दिवस पे आई थी। आप ये सोच सकते हैं कि मैं अपने कई पुराने परिवार में गई थी, जहां पर मैंने सिर्फ इस उद्देश्य से एंट्री ली थी कि यार इनके घर मैंने प्रोडक्ट जो है अपने देश के इस्तेमाल कराने हैं। बट उस टाइम पर मुझे वाकई नहीं मालूम था कि गॉड की क्या प्लानिंग हो रही है। Exactly. लेकिन आज मैं इस चीज को फील कर सकती हूँ कि वाकई मुझे एक फ्रीडम का एहसास अब हो रहा है कि हाँ वाकई आज मैं घर से बाहर निकली हूँ। कोरोना के बाद में आज फर्स्ट टाइम घर से बाहर इस तरह निकली हूँ कि अपने आप में फील कर रही हूँ फ्रीडम। यस यस यस। नाउ द पार्ट कि मैं बस दीदी के घर का सम्मान बदलवाने गई थी, और ये था कि दीदी पे तो थोड़ा सा हक चलता है, तो कोई बात नहीं, बिजनेस नहीं करेंगी मेरे साथ में, लेकिन यूजर 110% बनेंगी, और नहीं भी बनेगी तो कोई बात नहीं, मैं दीदी अपनी है, इनके यहाँ प्रोडक्ट छोड़ देना, मैंने कहा इस्तेमाल करो। और मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उसका रिटर्न ऑर्डर आना है, और फिर ये भी देश के प्रति प्यार करती है, ऐसा थोड़े है कि देशद्रोही है। तो अगर देश को डेवलपमेंट की बातें होंगी तो यस, ये मेरा सहयोग जरूर देंगी। और बट सहयोग इसलिए दूंगी क्योंकि मेरे माइंड में पूरा कब्जा सोनम का है। तो बट मैं जब घर पहुंची तो वहां कहानी कुछ और ही हुई, और परमात्मा ने पता नहीं शायद ऐसे ही कुछ प्लानिंग कर रखी होगी। तो हम वहां पहुंचे और फिर बातें बिजनेस की शुरू हो गई। बट सीरियसली मैं बिजनेस की बात करने नहीं आई थी, बट वो पता नहीं कैसे शुरू हो गई, आई डोंट नो। तो बिजनेस की बातें शुरू हो गई और फिर दीदी ने हाँ कह दिया। तो दीदी ने हाँ कहा और स्टार्टअप हो गया। मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद इस इंडस्ट्री से नाराज भी हो चुके हैं, इस इंडस्ट्री से निराश भी हो चुके हैं, लेकिन ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट जैसे ही उनके पास जाते हैं, उसकी रेट जाता है, उसकी रेंज जाती है, उसकी क्वालिटी को बंदा देखता है, बस आप कैसे भी कर क्योंकि एक तो स्वदेशी ब्रांड है तो हम यूजर जरूर बना सकते हैं, और आपने अगर यूजर भी बना दिया तो यकीन मानना वो परिवार आपके साथ आज नहीं तो कल 110% आएगा। और फिर जब से हमारा कंसेंसी ऑफर आया है, 2000 का सामान 6 महीने लेने पे 7वें महीने 2000 का सामान फ्री। हाँ। दीदी आपको क्या लगता है इसका क्या रिजल्ट आने वाला है? नहीं, इसका रिजल्ट मुझे तो लगता है बहुत ही बेस्ट आएगा, क्योंकि ज्यादातर पब्लिक हमारी इसी तरह की है, सभी मिडिल क्लास है और सभी को अट्रैक्शन करता है फ्री। यस, और जब लोगों को पता चल रहा है कि इतना टाइम लेंगे और उसके बाद हमें कुछ प्रोडक्ट फ्री भी मिलेंगे, तो आई होप सभी इस चीज को लेना पसंद करेंगे। अच्छी बात है कि दीदी कम रेट के बाद, हाँ मतलब कम रेट में अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो और साथ में 2000 का फ्री भी, बिल्कुल ना, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है कि कंसिस्टेंसी ऑफर जो है, मतलब मार्केट के रेट पर प्रोडक्ट मिल गया, और मार्केट के रेट के प्रोडक्ट का 6 महीने सामान लेने पर 2000 का सामान फ्री मिल गया। हाँ। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और 5000 वाला ऑफर वो भी बेस्ट है, मतलब उसके लिए थोड़ा ये है कि बंदा 5000 और 2000 में थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है, लेकिन हाँ जिनको लेना है आगे अपने लिए कुछ अच्छा सोचकर करना है तो वो करेंगे। एग्जैक्टली दीदी, हमारे जो प्रोडक्ट है ना उसमें अभी जैसे आप बहुत सब लॉट्स ऑफ रेंज है, आपने नहीं देखी? हाँ। आप लॉट्स ऑफ रेंज देखो, आप कुछ मत करना, आप 5000 का बिल मत बनाना। हाँ। आप
एक एक प्रोडक्ट लेकर सिलेक्ट करना कि मुझे इस्तेमाल करना है, आप देखो आपका बिल 500-400 ऊपर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब काम के ही प्रोडक्ट है सब, हेल्थ कुछ हेल्थ भी नहीं डालेंगे हम, कि काम के प्रोडक्ट डालेंगे। सही बात है, और सबको मालूम है घर के लिए तो इतना राशन आना ही होता है। एग्जैक्ट, तो राशन की जगह इसी यहीं से सामान लेके अपना भरो। अब 5,000 का सामान अगर आप 6 महीने लेते हैं तो 7वें महीने 10,000 का सामान फ्री, दैट मींस 33% का सामान फ्री, और फिर डिस्काउंट भी जोड़ दो के 20 से 40, तो मतलब 50% से लेके तकरीबन 65% का डिस्काउंट। वाओ, अमेजिंग। अगर कुछ लोग नए हैं और हमारे साथ वो साथी नहीं बने हैं, हमारे साथ इस जर्नी को शुरू कर पाए हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप सिर्फ घर का सामान इस्तेमाल कर कम से कम 50 से लेके 65% की बचत कर सकते हो। डियर फ्रेंड, 50 से 65% बींग अ हाउसर, आपको क्या लगता है कैसी बचत है ये? बहुत ही अच्छी बचत है, 50 से 65% बचेगा, साथ के साथ एक अच्छी हेल्दी लाइफ भी मिलेगी, घर को अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, सेहत को अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, तो डेफिनेटली बचत ही बचत है। एग्जैक्टली, बचत ही बचत है। और अगर इस बचत में थोड़ा सा काम, बिकॉज सिर्फ आपके इस्तेमाल करने से हम देश को बहुत ज्यादा सशक्त नहीं बना पाएंगे, हाँ सहयोग जरूर कर पाएंगे, ना से हाँ सही एटलीस्ट हम इस्तेमाल करें, बट क्या ये कुछ लोगों के घर पे और इस्तेमाल करा सकते हैं? हमारे जैसे अब दीदी के तो हमारी मैरिज हो गई, दीदी का परिवार भी है, अब कुछ परिवार के कुछ लोगों पर हमारा जोर चलता है, जैसे ननद पर, देवरानी पर, जेठानी पर, है ना, सिस्टर के घर पर, भाई के घर पर, जहां पर हम ये बात बोल सकते हैं कि यार तुम डॉलर का वैल्यू बढ़ाना चाहते हो या रुपए का, वो सिंपल सी बात बोलने वाला है रुपए का। और मैं एक एक्सरसाइज कराती हूँ, इस एक्सरसाइज को अभी करो, और अभी दीदी से भी कराते हैं, दीदी आंख बंद करो और आपने बोलना है, अभी तो खैर ओके का आ गया है सामान, बट ओके के पहले क्या था वो बताना, अभी पहले ये बताइए डॉलर की वैल्यू बढ़ाना चाहती हैं या रुपए की? नहीं, रुपए की। आग बंद करके रखो आप, रुपए की। वेरी गुड, चलो थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करते हैं, आग बंद करके ही जरा आप अपने बाथरूम में पहुंचो, बाथरूम और टॉयलेट। अब जल्दी से वहां पर बताओ टूथपेस्ट कौन सा है नॉर्मली जो सभी लोग यूज करते हैं, फिर भी क्या कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है? पेप्सोडेंट। देखो ये भारत की देशवासी डॉलर की वैल्यू बढ़ा रही है, टॉयलेट क्लीनर क्या रखा है आपके यहाँ पर? हार्पिक। ये देखो फिर से डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। ओके, फ्लोर क्लीनर क्या रखा है? कॉलिन। येलो। ये देखो 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 फिर डॉलर की वैल्यू बढ़ा रही है। टूथब्रश कौन सी कंपनी के रखे हुए हैं? कोलगेट। समझ में आ गया डॉलर की वैल्यू कैसे बढ़ा रहे हैं। ओके, वेरी गुड। अब मुझे बताओ शैम्पू कौन से रखा है? डव। ये देखो फिर डॉलर की वैल्यू बढ़ रही। वेरी गुड दीदी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू दीदी, प्राउड ऑफ यू, बढ़ाओ डॉलर की वैल्यू। नाउ आपके घर पर और कुछ ऐसे सामान, कंडीशनर रखा है कोई? कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं? लो फिर से डव का कंडीशनर, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, ऐसे ही बढ़ाते रहो डॉलर की वैल्यू। ओके, और घर के सामान में क्या आता है हम लोग यूज करते हैं जो? नहाने का साबुन कौन सा है? नहाने का मैंने पतंजलि के साबुन। थैंक गॉड, भारत माता की जय। चलो रुपए बढ़ाने में कुछ तो सहयोग किया। ओके चलिए, इसके अलावा डिटर्जेंट? डिटर्जेंट वही टाइट। ये फिर डॉलर वैल्यू बढ़ा रहे हैं ये भारतीय लोग ना, बस। अब ध्यान देना, दीदी आँख खोल सकती है क्या? दीदी आपने महसूस किया जाने अनजाने क्या कर रहे हो आप? लैक ऑफ अवेयरनेस, या ये बोल सकते हैं पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था फ्रेंड जब हमारे घर के हम सामान ला रहे थे, लेकिन ये पता लगने के बाद, और अगर आपने ये एक्सरसाइज खुद भी की है जो मैंने दीदी के साथ कराई है, तो सच में यकीन करना और ये मानना कि जाने अनजाने हम कर क्या रहे हैं। क्या ये भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट नहीं आते? आते हैं ना भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, तो क्या हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते? बट अट्रैक्शन ज्यादा बिलीव वाला हो जाता है ना, कि जो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं उसके लिए जितना अच्छा दिखाया जाता है वही हम मार्केट में चूज करते हैं और घर पे लाते हैं, यूज करते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन अगर हम वहाँ पर अवेयरनेस कर दे दीदी, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि वो अवेयरनेस के मारे वो प्रोडक्ट वो लेकर आएगा, और एक बार अगर क्वालिटी समझ में आ गई तो उसको ये चीज क्लिक करेगी कि यार वाई नॉट भारतीय प्रोडक्ट में लेके आऊं। लेकिन अगर हम ये अवेयरनेस लोगों को दे पाएंगे तब, और रही बात ऐड की, तो डोंट वरी, क्योंकि ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम, और हम भी जानते हैं कि भारत के अंदर बड़ी एक दुविधा है, और वो दुविधा क्या है कि हमारे यहाँ पर ब्रांड वो है जिसका एड आता है, हमारे यहाँ पर ब्रांड वो है जिसका एड आता है, और इसीलिए बहुत जल्दी ओके लाइफ केयर
आपके लिए आपके प्रोडक्ट को ब्रांड, वैसे तो पहले से ही ब्रांड है लेकिन टीवी में ऐड करके ब्रांड बनाने के लिए तैयार है। अगले एक साल के अंदर कम से कम 2-3 सुपरस्टार के साथ हमारे कई रेंज का एड आपको टीवी पर आता हुआ मिलेगा। तो अवेयरनेस में और बड़ा सहयोग हम भारत को दे पाएंगे, भारतीय लोगों को दे पाएंगे। और जितना हो सके मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी, ये विजुअलाइजेशन करो और अपने बाथरूम में, अपने किचन में, अपने घर के अंदर चेक करो ये रोजमर्रा के सामान मैक्सिमम लेवल पर, क्योंकि जैसे ही आप जाएंगे यूएस और यूके के ब्रांड आपको दिखेंगे जो टीवी पर ऐड आते हैं। ऐड दे देकर इतना बड़ा साइकोलॉजी इफेक्ट इन्होंने कर रखा है कि टॉयलेट बोले तो टॉयलेट क्लीनर मतलब हार्पिक, फ्लोर क्लीनर मतलब लाइजर, कॉलीन है ना जो सफाई करते हैं हम लोग शीशे वगैरह की, नहाने का साबुन बोले तो डव लक्स डिटॉल, टूथपेस्ट बोले तो पेप्सोडेंट कॉलगेट, मतलब इतना इफेक्ट मेंटल लेवल पर कि आज की रेट में दुकान पर जाकर हम ये नहीं बोलते नहाने का साबुन दे दो, हम ये बोलते हैं डव दे दो, हम ये नहीं बोलते टूथपेस्ट दे दो, हम बोलते हैं कॉलगेट दे दो, हम ये नहीं बोलते नूडल दे दो, हम बोलते हैं मैगी दे दो। ऐसे कितने हम लोग ब्रांड ना, मतलब ब्रांड बना दिया इसको, मतलब प्रोडक्ट को ब्रांड बना दिया गया है। आप ये सोचिए, ये कारण है जिस कारण भारतीय जाने अनजाने में कहीं ना कहीं इन्हीं प्रोडक्ट्स को लेकर आ जाता है। बट ये अवेयरनेस आपके द्वारा मेरे द्वारा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी तो यस ऑफ कोर्स इंडियन प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगे मैक्सिमम मात्रा में, हम इंडियन ब्रांड को यूज करेंगे और यस ऑफ कोर्स भारत को सशक्त बनाएंगे। दीदी आप तैयार हो? अच्छा है, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, जब प्रोडक्ट यूज किए जाएंगे तो भारत के लोगों को भी तो रिच बनने का पूरा पूरा हक है। एग्जैक्टली, जब हम भारत के प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो भारतीय कंपनियों का टर्नओवर बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों का टर्नओवर बढ़ेगा तो भारत का पैसा भारत में रहेगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट, ये वो भारतीय प्रोडक्ट है जिसमें क्वालिटी आपको वो इंटरनेशनल ब्रांड वाली ही मिलने वाली है और रेट आपको देसी यानी भारतीय। इतना इसका मतलब क्वालिटी से हम विदेशी हैं लेकिन दिल से हम देसी हैं। और इस कॉम्बो के साथ ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। यस ऑफ कोर्स हम काशीपुर हैं, जा रहे हैं, ऑन दी वे हैं। अगर आपके वहाँ पे कुछ लोग हैं तो उनको जरूर कनेक्ट कीजिए हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।